और रूल्स भी हैं कि नगर पालिका में अगर हम कोई गाइडलाइन तैयार करते हैं तो नगर पालिका के ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का होना भी बड़ा आवश्यक हो जाता है। और दिखता है कि उन्हें चिंताएं हैं, कुछ लोगों को भाषण में चिंता दर्शाई जाती है, कुछ लोगों की भाषण नहीं देते हैं, कुछ लोग मतलब जैसे चलो हम तो बोलना आ जाता है, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं लेकिन वो काम करना जानते हैं, तो उनमें आप शामिल हैं और वो दिखा भी है उस दौरान। और हम ये जानते हैं कि हमें अपना श्रेष्ठ देना है, हम जिस जगह पर भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जैसे भी बालिकाओं ने अपने स्वागत गान के दौरान अपना श्रेष्ठ दिया है। अब जो देखने वाले लोग हैं, जो आप लोग हैं, अब आप और मैं ये जानता हूं कि इन बालिकाओं ने अपना श्रेष्ठ दिया है और मैं तारीफ करता हूं उन बालिकाओं की कि उन्होंने अपना श्रेष्ठ दिया है। और मुझे मालूम है कि आप भी उनकी तारीफ करोगे कि उन्होंने श्रेष्ठ दिया है। अब श्रेय कोई भी ले ले, चाहे दीपक ले, चाहे प्रदीप ले, चाहे आप ले, कि नहीं नहीं जी हमने आपको बुलाया तभी तो उन्होंने किया, हमने अलाना किया तभी तो वो ऐसा हुआ। अब श्रेय की क्या देखना है, उन लड़कियों का हुनर देखिए, उन्होंने दिखा दिया है कि हमें आता है, मंच कोई सा भी है उसे बड़ा करना आता है। कुछ लोगों को श्रेय की बड़ी घोड़ होती है, उस श्रेय की भाग दौड़ में होते हैं, पहले कुछ दिन सड़कों में भी नहीं उतर रहे थे, कुछ ईश्वर का ऐसा चमत्कार रहा कि उन्होंने हमारे लिए कहा, क्योंकि मैं आज जिला पंचायत अध्यक्ष यमुनोत्री विधानसभा के चिन्याली ब्लॉक की देन हूँ, पहला नंबर, क्योंकि चिन्याली ब्लॉक वो ब्लॉक है जिन्होंने राजनीतिक प्रवेश में एक नई चीज तैयार की। उन्होंने कहा कि हम जाति पर नहीं, क्षेत्र पर भी नहीं और मनुवाद पर भी नहीं काम करेंगे, हम अगर जाएंगे तो सिर्फ विकासवाद पर और युवाओं के लिए एक मैसेज छोड़ के जाएंगे कि किसी जमाने में कोई 34-35 वर्ष का एक गरीब परिवार का युवा जिला पंचायत अध्यक्ष बना है और काम के दम पर हम उसे लाना चाहते हैं, और वो चिन्याली ब्लॉक ने करके दिखाया है। और ईश्वर का ऐसा एक गठजोड़ हमें दिया है कि शुरुआत भी हमने चिन्याली से की थी, और जब मैं चिन्याली घूम रहा था तो लोग मुझसे कह रहे थे यार ये भी ऐसे घूम रहा जैसे और घूम रहे हैं, क्योंकि जहाँ में जाता पानी चाहिए पानी चाहिए, पर पानी कहाँ से पिलाएंगे, पानी तो आता ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो बात सही है, पर फिर मैंने सोचा यार 20 साल का मेरा उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड, देखिए 20 साल के युवा में कितनी एनर्जी होती है। आज आप 20 साल के युवा से पूछिए और आप बोलेंगे कि भैया आपको इतना दौड़ना हो दौड़ेगा, ऐसा है मेरा राज्य, युवा राज्य है। उस युवा राज्य में जहां से आपने कैबिनेट स्तर के मंत्री भी दिए हैं, और मंत्री भी तब दिए हैं जब उनके हाथ में सरकार का प्राण था, तब दिए, और तब पानी नहीं मिल पाया, थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ी मुझे। मुझे लगा काम तो हो सकता था, बस नीयत का प्रश्न था, कुछ तेरा कुछ मेरा। तो मैंने अपने को लेकर एक चीज तय की कि चिन्याली हम तब जाएंगे जब पानी जाएगा, और उसी क्रम में अध्यक्ष जी ने मेरा सहयोग किया और बोर्ड ने मेरा सहयोग किया और मेरे प्रस्ताव का अमली जमा पहनाया गया, और शीघ्र अति शीघ्र दिसंबर माह तक यहाँ पूरी की पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। यदि कोई विभाग उसमें लापरवाही बरतेगा तो विभाग की सेटिंग अगर ट्रंप से भी होगी ना, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, सीधा ट्रंप, तो फिर भी हमसे नहीं बचेगा, इतना ही है। क्योंकि हमें श्रेय के लिए रेबन काटने नहीं आना है, लेकिन अगर नल में पानी नहीं आया तो नल में घुसेड़ने की क्षमता रखता हूँ, इतनी अपने मत पे राजनीति करता हूँ। और मैं इतना जानता हूँ कि आज मुझे ये कहने में हर्ष हो रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। जो कागजों में विकास पुरुष बने हुए हैं उनसे हम अभी और विकास चाहेंगे, श्रेय भी देंगे श्रेष्ठ भी देंगे, और नहीं कर पाएंगे तो जिस जंगल तक वो हेड को देखने गए उस जंगल के पेड़ पे भी चढ़ाएंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, ये आपको वचन दिया। और मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, मैं जरा राजनीति को खुले आम करता हूँ, पीठ पीछे का कोई हिसाब किताब नहीं रखता हूँ, ना अपना ना पिछले, ना अगले का ना पिछले का,
और ना मेरा रखे। जिस दिन मैं झूठ बोल के राजनीति कर रहा हूँ या दूसरों की बुराई करता हूँ और अपना पता ही नहीं पा रहा हूँ, आप लोग मेरा खुला बहिष्कार करिएगा। क्योंकि राजनीति में आप चीजें चेंज, क्योंकि जब सब चीज नेता ही तय कर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन हो गया, किसने बोला? नेताओं ने बोला। भाई जब मोदी जी टीवी में आए तो उन्होंने तो बोला, हमने मान लिया। मुख्यमंत्री जी ने बोला भाई कि बसें चलेंगे, फिर बोल दिया नहीं चलेंगे, किसने बोला? नेता ने बोला। यानी जब सब कुछ वही तय कर रहे हैं तो हम मैदान में आ गए हैं। अब सही सही बोलेंगे तो हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे, और झूठ बोलेंगे तो लोग खुद करा लेंगे हमारा और तुम्हें निपटा लेंगे। इसलिए समय है, काम करिए लोगों का, नहीं कर सकते हैं तो सुधरने का प्रयास करिए, वो कोई भी हो। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को बहुत बड़ी बातें लगती हैं, यार ये कैसे कह रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा भाई? वो जो माल पड़ा हुआ जिला पंचायत में या विधानसभा में, वो किस लिए है? किस लिए वो माल? मेरे को दो चार मकान और बनाने इसलिए तो नहीं है ना। मुझे इसलिए दिया गया ये पद कि भैया तुम जब बनोगे तो तुम उन लोगों के काम करो जो तुम तक नहीं आ पाते। और ये राजनीतिक भूमिकाएं परिवर्तन की ओर जा रही हैं और ये जाएंगी। और हमने कहा है कि जितनी बातें हम कह रहे हैं और जितनी घोषणाएं हम कह रहे हैं, यदि हम इनको अगले 6 महीने में पूरी नहीं करते हैं तो हम राजनीतिक तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि पद की लालसाओं को लेकर वो लोग डरते हैं जिन्हें जंगल जंगल आजकल उद्घाटन करने जाना है। हमें नहीं है पद की लालसा। हमारी हैसियत नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बैठने की। हमारी हैसियत नहीं थी जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर बैठने की। मेरी उम्र के हिसाब से मेरे साथ के युवा आजकल बेरोजगारी के भटकाव में जी रहे हैं, और मुझे अगर ईश्वर ने और जनता ने इस पद पर बिठाया है तो सिर्फ इनकी कुंडली खोलने के लिए बिठाया है। अब काम के आधार पर ही मैं इनकी कुंडली खोल सकता हूँ। अगर मैं काम करूँगा तो ही बोलूँगा उनको, वरना वो कहेंगे इसने भी क्या किया, ये तो ऐसे बोल रहा है। इसलिए पहले हम खुद काम करेंगे, फिर तुम्हारे पास इनकी कुंडली देंगे। तुम्हें जैसी मर्जी वैसे इनके घर आप पूछना, पूछ सकते हैं तो बता देना, नहीं पूछ पाओगे तो हमें बोल देना, क्योंकि मैं जनता पे छोड़ूंगा हर किसी की कुंडली। उसी क्रम में हमने जहाँ जहाँ भी गए हैं उन सबको हम भरोसा देते हैं, चाहे वो चिन्याली ब्लॉक हो, चाहे पुरोला, चाहे मोरी, चाहे टुंडा, चाहे भटवाड़ी। आप सबको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना लगे लोगों को कि जिला पंचायत अध्यक्ष चिन्याली पेयजल लाइन दे रहा बाकी ना। हम डुंडा में भी एक पेयजल लाइन दे रहे हैं और साथ साथ वहाँ एक बड़ा हब कर रहे हैं, बिजनेस हब जो बनता है, जो हमारे ग्रामीण लोग आते हैं वो वहीं पर अपना मार्केट बनाएंगे। वो जिला पंचायत ने वहाँ एक ज़मीन ली है और पूरा डुंडा ब्लॉक के जो गांव के दूर दराज रहते हैं वो नीचे से अपने एक, जैसे हमारे यहाँ से राजमा हो या फल हैं, वो सब एक उनको कलेक्शन सेंटर भी हम डुंडा में दे रहे हैं। और मैसेज यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि इधर ही क्यों, उधर क्यों नहीं, उन लोगों को मैं उस दिन वहाँ उद्घाटन के लिए बुलाऊंगा, और उद्घाटन उन्हीं से कराऊंगा क्योंकि उन्हें बड़ा शौक है। तो डुंडा तक भी उन्हें जरूर भेजना, और बहुत जल्द हम करने वाले हैं। और साथ में मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर ये सब मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने घर से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतनी हैसियत दी है तब कर रहा हूँ। अपने घर से करना होता तो जब 2008 में नेता नहीं था तब दे देता, तब तो नहीं दिया मैंने, था ही नहीं मैं। तो कोई भी नेता अपने जेब से नहीं देता, वो आप लोग उसको इतनी औकात देते हो तब वो देता है, तो बड़ी बात नहीं है। आप भी उसका सम्मान करिए, अगर वो देता है, नहीं देता है तो उसको बोलो सम्मान पूरा है, लेकिन राजनीतिक तौर पे पदों के लिए कर नहीं, अन्य चीज़ों के लिए करूँगा। जब हम इस प्रवेश में राजनीति करेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी नेता की इतनी हैसियत कि वो आपसे झूठ बोल दे, किसी अधिकारी की इतनी हैसियत वो आपसे झूठ बोल दे। जब उनका नेता झूठ बोलेगा तो अधिकारी भी थोड़ा थोड़ा झूठ शुरू कर देगा। अब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा ये में भी आपसे झूठी बोलेगा, क्योंकि मैं बुलवाऊंगा उससे। ऐसे सब जगह होता है, ठीक है, झूठ। अब सच कौन बोलता है? मैं भी शायद सारे सच नहीं बोलता हूँ, ऐसे कौन बोलता है? हरिश्चंद्र की औलाद आज है भी नहीं कोई, बनेगा तो मुश्किल है, कलयुग है। लेकिन जो समाज के लिए हितकारी है, जो समाज में हित के लिए है, आप अगर उस झूठ को भी बोलोगे तो अगर दुनिया के लिए वो सच साबित होता है और उसमें कुछ काम होता है तो भगवान आपको माफ कर सकता है। लेकिन आप ये बोल दोगे कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो सब जानता है, क्योंकि तय जनता ने करना है। और मैं आज जब श्यामपुर में आया हूँ
तो मैं आप सबको ये बतला देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए कार्य आपके गांव में दिखेंगे, और बहुत बड़ी बात नहीं होती है कहना कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि भाई क्यों आऊँ मैं फिर, जब मैं तामीर ही कर रहा हूँ तो क्यों बुलाओगे, अगर बुलाओगे तो तुम चमचे मेरे, भाई क्यों बुलाया जब नहीं किया दीपक ने काम, अब क्यों बुला रहे हैं माने अभी हमारे प्रीतम कुमार जी हैं केंद्रीय मंत्री, हमारे वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और यहाँ पर पूरा उन्होंने देखा है, अब पानी नहीं दे पाए हैं तो विरोध नहीं करेंगे लोग, करेंगे ना, अब जो नहीं करेंगे वो चमचे हो गए फिर, भाई प्रश्न तो इसी चीज का होता है, बोलना तो पड़ेगा ही ना साहब क्यों नहीं दिया यार, लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, थोड़ा बहुत कितना नहीं बोलेंगे तो चमचे तो बोलेंगे लोग हमें, और वही बात मेरी है, अब आपने मेरे को इतनी सारी ये बता दी भाई ये भी होना चाहिए होना चाहिए, अब नहीं करता हूँ मैं कुछ नहीं, अब फिर आता हूँ यहाँ तो आपके लिए बोलेंगे आप उस दिन बोल रहे थे दीपक जी ये जीते थे तब जीते थे अलाना किया तो कुछ नहीं साहब आप चमचे तो नहीं उनके, तो नेताओं के चमचागिरी की तरफ हमें तब मजबूर हो जाते हैं जब हम करते ही नहीं, इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों के द्वारा जो मांग पत्र मिला है मैं उसमें आवारा पशुओं में फसलों की सुरक्षा जो तार बाड़ का जो है वो हमने इसके लिए हमने बहुत बढ़िया रास्ता निकाल लिया है, हम पूरा करेंगे इसे, और अध्यक्ष जी आपके पूरा भरोसा देते हैं शीघ्र अति शीघ्र हमारी पूरी मशीनरियाँ आएंगी और वो कार्य पे लग जाएंगी, और उन तक जरूर मैसेज दे देना कि उजाड़ खाने जरूर आ जाना जी, क्योंकि उन्होंने तो लगाया है नहीं तो उजाड़ का रास्ता हम थोड़ा छोड़ देंगे, और दूसरा ये है कि मंदिर निर्माण में मैं 2 लाख रुपए आपको नगद दूंगा, क्योंकि इसमें योजनाएं अभी नहीं दूंगा, नगद धनराशि दूंगा 2 लाख रुपए, और उसमें अगर कमी पड़ेगी तो फिर कहीं और से फिर जुगाड़ करेंगे, है ना, क्योंकि योजना बोलूंगा कि योजना में टाइम लगेगा, और आपको नगद धनराशि में इसके लिए आपको 2 लाख रुपये श्यामपुर को दूँ जो मैं आपको दे के जाऊँगा, और गाँव में पंचायती सम्मान की व्यवस्था आपको 15 सितंबर तक हम कर देंगे, और आपने जो मेरे को वीरेंद्र राव जी और श्री दयाल सिंह राव जी और ये जो आपने बलमा देवी जी और असाढ़ लाल जी और अगर कोई और भी हो, लेकिन वो होम से जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, ऐसा ना हो कि ठीक हुआ तो गरीब का हक मार रहे हैं और फिर मेरे को भी भगवान जहाँ से मेरे पास आ रहा जहाँ से पूछ रहे ना, नेता लोग नहीं पूछ रहे आजकल कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे घर से ला रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा मैं कब कब ला रहा हूँ, ये देखते रहते यार कब हमारे घर जाता होगा कब लाता होगा, सही में तो नहीं ला रहा है, ये अब अपने धर्म पत्नी को फोन कर रहा हूँ दीपक तो नहीं आ रहा हमारे पैसे तो नहीं ले जा रहा है, मैंने कहा पूछिए क्यों रे भाई कहाँ से आ रहा है, जहाँ से तुम्हारे पास आया वहाँ से मेरे पास आ रहा, बांटने की हिम्मत रखो तुम भी बांटो हम भी बांटे, जाँच वाँच करानी है तो रो आई वी सी बी आई सबको बुला, हमने देखे अभी देखा भाई भेज दो किसी दिन मुलाकात हो जाएगी, और मैं ये जो आप लोगों ने मुझे हाँ खेल सामान मैं आपको आज दे के जा रहा हूँ हमने ला रखा है, और उसमें अगर खेल सामान में कोई कमी रही होगी तो उसको भी पूरा करवा लेंगे, मैं अपने मित्रों को यहाँ बोल दूँगा वो भी वगैरह वो मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन अभी हमने किट ला रखा है, अब यहाँ पर जो चीज़ आपकी छुट्टी है उसमें है श्यामपुर गाँव में ऑल वेदर रैंप से वेहड़ के पेड़ तक करीब 500 मीटर पक्का रास्ता, जब जिला योजना की बैठक होगी इसे हम तब कर पाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अभी उसकी स्थिति नहीं है तो हम आपसे कहेंगे तो झूठ हो जाएगा, और मैंने अपने 100 में से 99 नंबर तो ले आया है, 1 नंबर छोड़ देना चाहिए क्योंकि अभी हमारे भाई साहब की लड़की टॉप आई है तो थोड़ा बहुत नंबर उसने भी छोड़ दे गुंजाइश के नहीं है, सारा इलाज तो दिक्कत आ जाती है तो थोड़ा बहुत हम भी छोड़ देंगे क्योंकि इससे बना रहेगा आपका मुझ पर भरोसा और मेरा आप पर, बाकी दुनिया में सबसे सरल काम है चुनाव जीतना, उसके इतने तनाव नहीं लेनी चाहिए, वो जब आएगा तब ये भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, सबसे मुश्किल काम है आप लोगों से किए गए वादों को समय पर पूरा करना, उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ और उन्हें जब पूरा कर लूँगा तो ही आप लोगों के बीच में आऊँगा, वरना आप लोग एक बड़े कागज़ में लिख देना जो यहाँ था वो चोर था एक दिन के लिए ठक्के आए कोई मदारी था और कर दिया तो इनसे कह देना कि अब तुम्हारा घड़ियालों की तैयारी पूरी है, और मैं एक बार पुनः अपने तमाम युवा साथियों से तमाम अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि वे सभी लोग आएं आगे बढ़ें और एक नई राजनीति का अध्याय देखें, नया राजनीतिक अध्याय यही कहता है कि नेताओं तुमने खूब माल कमाया, माल का 70% जनता में लगाओ और आओ तुम्हारा भी हम नाम जपें, नहीं लगाते हैं तो घर में जपें, तुम छापा तो हमें से
मैंने भी कोई मेरे पिताजी स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद हुआ राज्य आंदोलन कर थे पक्का आदमी थे, उन्होंने छापा। मेरी माताजी भी अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है ना, टीचर हैं, तो हमारे पास भी ऐसा माल पानी कहाँ से, यहीं से आया होगा। मैंने भी किसी न किसी को डराया होगा, उन्होंने थोड़ा बहुत माल पानी मुझे दिया होगा, दिया है तो हम बांटेंगे, जनता में बंटेगा। और हमने कहा है कि जनता का कद्दू है, कद्दू कटेगा तो सब में बंटेगा, थोड़ा थोड़ा हो चाहे पूरा पूरा हो, सब तक जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा एक नारा है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये कहना शुरू करते हैं। और एक बार पुनः आप सबको श्री चरणों में मेरा नमन, धन्यवाद। और इन लोगों के मुझे आधार कार्ड और अकाउंट नंबर आप जरूर देके जाएं, वीरेंद्र राव जी और ये दयाल जी और बलमा देवी और असाढ़ और अकाउंट नंबर और IFC को जरूर, धन्यवाद, प्रणाम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। संघर्ष करो, दीपक बिजवान संघर्ष करो, दीपक बिजवान, दीपक बिजवान, दीपक बिजवान। बहुत बहुत उत्तर का जाना साहब। तो ज्यादा ना खींच करके कार्यक्रम को यहीं पर समापन की घोषणा करते हुए यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय अध्यक्ष जी आपका श्यामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं श्यामपुर विकास समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने यहां पर अमूल्य समय बिताया, फिर भी दो शब्द अपनी तरफ से ऑफिशियल न होकर केवल भाई बंदी के तौर पे दो शब्द। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने गांव और अपने घर पे आया हूं और ये प्यार हमेशा बना रहेगा। और जितना मैं जनपद के लिए सोच रहा हूं उसी तरह से मैं श्यामपुर के लिए, विकास कार्यों के लिए और इनके सुख दुख के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तरफ से दे रहे हैं। और जहां तक बात एक नंबर कटने की है, अब तो जो एग्जाम की प्रक्रिया है उसमें तो सर कई लोगों को 100 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक बार पुनः अपने श्यामपुर समिति की ओर से नंबर। बना देना है, अच्छे से बना देना। महेंद्र भाई दुकान है यहाँ पे, पीछे जा, पीछे वहाँ वहाँ जाओ ना, वहाँ वहाँ पर जाओ, चलो चलो। अरे नहीं भाई साहब, कैसे बढ़िया बोल।
तेरी मिट्टी।